हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो यार आप सब। तो भाई आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट एवरीवेयर की तरफ से आने वाला एक कंप्यूटर ग्लास, जो कि ब्लोरे कट ग्लास आप इसे कह सकते हो। आपने देखा था गाइस, मैंने पहले वाले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैं एक ब्लोरे कट ग्लास खरीदा था जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने उसे लगाया भी है जो कि आप देख सकते हो। लेकिन ये दूसरा है और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये इससे 200 रुपया सस्ता है, ठीक है। और इस प्राइस में इसमें क्या कमी मिला मैं आपको वो भी बताऊंगा, और ये कैसा है मैं आपको वो भी बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितना बेहतर है और इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है और जो जो फीचर आपको दे रहा है तो ये बेस्ट है या नहीं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पे अमेज़ॉन की तरफ से कुछ खास ऐसा पैकिंग होके ये नहीं मिला था। इसका पैकिंग मुझे बहुत ही मतलब घटिया लगा, क्योंकि उन्होंने बस इसे ना इसी तरीके से एक डब्बा में भर करके और दे दिया था। ना तो इसके ऊपर वो जो एक बबल्स आते हैं ना प्लास्टिक का, वो भी नहीं था। तो इस वजह से यार ये डैमेज होने का चांसेस बढ़ते हैं, तो वो भी नहीं मिला मुझे। तो ये थोड़ा पैकिंग मुझे सही नहीं लगा। बाकी इसका अंदर देखें तो इसका अंदर का जो बॉक्स है वो काफ़ी बेहतर ही है, जहाँ पे आप इसे कैरी कर सकते हो। और उसके साथ आपको ये कॉटन देते हैं जिससे आप अपना ग्लास को साफ़ कर सकते हो। अभी चलो इसे ओपन करके देखते हैं। तो गाइस ये है हमारा वो ग्लास, और देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने जैसे फ़ोटो में देखा था और जैसा देख के मैंने ऑर्डर किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। एक्चुअली जब मैं इस वाला ग्लास को ऑर्डर किया था ना, ये जैसा दिख रहा था फ़ोटो में वैसा नहीं था, लेकिन ये जैसा दिख रहा था ये बिल्कुल वैसा ही है और काफ़ी अच्छा है। चलो मैं इसको एक बार यूज़ करके देखता हूँ, और इसे मैं अभी हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और हाँ, ये कोई मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये पावर ग्लास है और आप पहन रहे हो मतलब आपका आँख डैमेज हो चुका है, आप बैटरी लग गया, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये जीरो पावर का है और आँख ख़राब होने से बचाने के लिए है भाई, ना कि आँख को ख़राब कर देता है, ठीक है। या फिर जिसका आँख ख़राब है वो यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी यूज़ करता है बट उसका अलग आता है। तो चलो अभी ये देख लेते हैं लगा करके लुक कैसा आता है। तो लगाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगता ही है आँख पे, बहुत ही अच्छा फील होता है, एकदम ठंडा सा कूल सा फील होता है। और आसपास एकदम सेम मतलब कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा है मुझे जो मैं पहले वाला ग्लास यूज़ कर रहा था उसके सामने। बट हाँ, इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, और वो क्या है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। अभी आप मुझे देख पा रहे हो गाइस कि आसपास के जो चीज़ है ना वो यहाँ दिख रहा होगा आपको, दुनियादारी जिसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर ना पूरा दुनियादारी ही दिख जाएगा। मतलब आपको तो सब कुछ क्लियर दिखेगा, प्लस सामने वाला को भी यहाँ चश्मा में सब कुछ दिखता है। तो ये एंटी रिफ्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि लिखा हुआ था कि ये एंटी रिफ्लेक्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इसमें वही एक प्रॉब्लम मुझे मिला कि इसमें दुनियादारी सब दिख रहा है। तो चलो इसे हटाते हैं। अब इसका बिल्ड क्वालिटी का अगर बात करें तो देखो, यहाँ पे एक तरफ से मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये फ्लैक्चुएट नहीं है ज़्यादा। अगर इसमें ज़्यादा जोर पड़ गया तो ये टूट सकता है। और उसके साथ साथ इसका जो फ्रेम है वो भी सेम इसी मटेरियल का बना हुआ है, जिसे एक्चुअली में लोग कचकाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो वही ये कुछ फ्रेम उसी टाइप से है, जो कि यार बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है। ग्लास का बात किया जाए तो यहाँ पे ग्लास इन्होंने यूज़ किया है वो ब्लोरे कट ग्लास है, बट ये एंटी रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सामने को जो भी चीज़ है वो यहाँ ना दिखे। अभी भी आप देख सकते हो इसमें सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन सा कलर में सब कुछ दिख रहा है। तो यार मुझे ये ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मान लो आप चश्मा लगा रहे हो और आपका आँख ना दिख करके उसमें आसपास का चीज़ दिख जाए तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सही है। अब मैं इसका प्राइस बता दूँ तो ये मुझे पड़ा 566 रुपया। तो इतना मुझे इसका प्राइस पड़ गया। और इस प्राइस में अगर मैं बात करूं तो 200 रुपया सस्ता भी है इंटेलीलेंस वाला जो कंपनी है वो ब्लोरे कट ग्लास के सामने, ये 200 रुपया सस्ता है। बट ये अच्छा भी है, और एक तरफ से वही नेगेटिव पॉइंट जो था मैं आपको बताया कि ये ग्लास थोड़ा सही नहीं। अब ये मंगाया किसके लिए हूँ मैं, ये एक्चुअली मेरी सिस्टर के लिए मैंने मंगाया। वो मेरा ग्लास देख करके बोल रही थी कि मुझे भी एक ख़रीद दो, तो मैंने सोचा चलो उसके हिसाब से एक मैंने ख़रीद दिया ये, और ये अच्छा भी है और उसे ये कलर पसंद भी आएगा। तो गाइस जो वीडियो था वो यहीं तक था। अब एक वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं
इंटेरी लेंस जो है ना उसको और इसको दोनों को पूरा अच्छे तरीके से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दोनों में अंतर, दोनों का बिल्ड क्वालिटी, दोनों का प्राइस और दोनों एक्चुअली में उन दोनों में से बेस्ट कौन है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था वो बस यहीं तक था। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप मेरा वीडियो नहीं विश्वास देखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।